करके उसकी लाश मिली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं, साथ में एक जनप्रतिनिधि, समाज सेवक, एक मुखिया के कैंडिडेट भी। सर, ये किस तरीके से हादसा हुआ था, इसके बारे में कुछ जानकारी? सर, ये जो है ना 6-7 दिन की घटना है। तो मॉर्निंग में 8 बजे बच्चा को यहाँ से उठा लिया गया। बाकी हम जितने भी समाज के लोग हैं, सारे लोग खोजे, अगल बगल जैसे जैसे लोगों ने जानकारी दिया खोजे, वो बच्चा हम लोग को बरामद नहीं हुआ। आज मॉर्निंग सुबह 7-8 बजे के दौरान कोई आदमी गया था, लेडीज गई थी, तो वहाँ देखा तो उस बच्चा को फिर लाया गया। बच्चे को गला घोट के मारा गया है। अब ये हमें जैसा लग रहा है कि ये बाहरी आदमी का हाथ नहीं बल्कि ग्रामीण लोगों के ही हाथ हैं। तो सरकार से भी और प्रशासन से भी हम यही उम्मीद करते हैं कि इसका इंसाफ होना चाहिए और हम लोग को जो है ना कि कातिल को पकड़ के इनको जो सज़ा जल्द से जल्द दिलाना चाहिए। इतना छोटा बच्चा को, अगर इतना छोटा बच्चा का गला घोट करके उसको मार दिया गया है, इस तरीके की हरकत यहाँ के लोगों में ऐसी अभी तक जागरूकता नहीं है कि एक बड़ा आदमी होता है तो कोई उसी का कुछ बिगाड़ता है किसी का। जी, वो इतना छोटा बच्चा, अभी तो दूध पी रहा होगा वो। जी, 15 माह का बच्चा है। और इतना छोटा बच्चा जिसको बगैर किसी कसूर के दुनिया में अभी कुछ जाना नहीं, दुनिया को देखा नहीं, उससे पहले उसकी दुनिया ख़त्म कर दी गई। आखिर कैसा हमारा ये समाज है, इस समाज में ऐसी जागरूकता अभी तक क्यों नहीं है? हम लोग ऐसा, हमको जैसे जहाँ तक हमको दिखने को मिल रहा है कि प्रशासन में बहुत लापरवाही है। 6-7 दिन हो गया रिपोर्ट लिखाए हुए, इस बीच में प्रशासन की कमी देखने को मिल रहा है। हाँ, सुबह में 1 घंटे के बाद प्रशासन आया है। प्रशासन को जैसा रवैया देख रहे हैं, उस तरीके से इस बच्चे के लिए कोई खोजबीन नहीं हुआ। हाँ, हम लोग जब समाज गायब हुआ तो प्रशासन आया था कि नहीं? प्रशासन एक बार आया था, उसके बाद फिर प्रशासन जो है ना फिर रिपोर्ट वोट लिखा, उसके बाद प्रशासन कोई खोज खाज नहीं किया। हाँ, गायब होने के कितने देर के बाद रिपोर्ट लिखाई गई? गायब होने के तकरीबन 1-2 घंटे के बाद रिपोर्ट लिखाई। उसके कितने देर के बाद प्रशासन आया? उसके नहीं, उस दिन तो खैर आया था। आज जो बच्चा बरामद हुआ है सुबह 8 बजे, तो हम लोग रिपोर्ट किए थाना में कि बुलवाए हैं, तो थाना के चौकीदार के माध्यम से तो 1-1.5 घंटे के बाद आया है। और जिस दिन बच्चा गायब हुआ, नहीं तो उस दिन तो 1 घंटे के बाद आ गया था प्रशासन आया था। मगर इस बीच 6-7 दिन के बीच में प्रशासन उतनी जिम्मेदारी अपनी नहीं दिखाई इस बच्चे को तलाशी की जाए। अगर प्रशासन हरकत में आते तो ये लग रहा है बच्चा जो है ना बहुत दिन 2-4 दिन पहले मिल गया होता। आप समाज सेवक है, जनप्रतिनिधि है, उम्मीदवार है, प्रतिनिधि नहीं, उम्मीदवार। आप उम्मीदवार हैं, मुखिया कैंडिडेट हैं, तो क्या आप ऐसा नहीं ढूंढ रहे कि बच्चा किधर गया, कहाँ नहीं, गांव में आस पड़ोस में ढूंढा जाए, देखा जाए? सारा हम लोग देख लिए, गड्ढा गुड्ढा में सारे देख लिए, ठीक है, उस वक्त नहीं मिला। ये जो है ना 1-2 दिन की बात है कि लग रहा है कि ये बच्चे को 1-2 दिन पहले है ना दिया दबा के वहाँ रखा गया, जो जैसे कि वो बच्चा को मारने की कोशिश किया होगा या नहीं पचा होगा तो रख दिया होगा वहाँ। बच्चा पानी के अंदर से मिला है या सूखे में? ये पानी समझिए 1 फीट पानी के अंदर मिला है बच्चा। तो वो तालाब है या गड्ढा है? ऐसे ही गड्ढा है वो। ये और भी बहुत सारे ग्रामीण हैं, क्या चाहते हैं इसका इंसाफ मिलना क्या चाहिए? आपको जानकारी है किस तरह के आभार के? अच्छा, और कोई यहाँ के ग्रामीण कोई नहीं है? ये है, पूछे भैया है। आप यहीं गए ग्रामीण? क्या किस तरीके से यह हादसा हुआ? सवेरे मॉर्निंग का सवेरे से जाता है। अच्छा, घटना 8 बजे के बच्चा यहाँ पर आया था, स्थानीय क्रम में इधर गया, यहाँ बहन के साथ गई थी, गया था वो, उसी क्रम में वो गायब हो पूरे देर के करीब। जब सारे लोग पूरे खोजे नहीं मिला, तो जाकर पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराया, प्रशासन 1 घंटा में आई, सारे तालाब उलाब हर जगह खोजा गया, नहीं मिला। वो बार बार कह रहे थे पुलिस प्रशासन को खोजिए, तालाब में खोजिए, झाड़ी में खोजिए, यहाँ तक हर जगह खोजा, समझे कि नहीं। तो फिर हम लोग पता चला कि बच्चे बोले कि खा के ले गया, छोटी बच्ची थी, तो हम लोग तो बाहरी धुन में रह गए, बाहरी उस दिन से बाहरी में खोज रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं गए, रात में 2-3 बजे, कल भी परसों बाहर से आए खोज से, लेकिन आज सवेरे जब गया बच्चा खा गया तो देखते हैं, हालांकि बच्चा पता नहीं चल रहा था, वो गया था कोई जॉकेट ढंग का, शक हुआ, बड़ी घर के परिजन को कहा गया, वो गया है तो पता नहीं चला, लेकिन खाया चिट किया तब पता चला कि वही था, समझे कि नहीं। ये बच्चा लड़का था कि लड़का? 14 महीना का। किन का लड़का है? महूब। चलिए, जिसने भी इस तरीके की घटना को अंजाम दिया बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक यह हादसा है। क्या घटना के बारे में आज जब पता चल रहा है, तकरीबन 7 दिन का समय बता रहे हैं, 7 दिन हो गए थे,
सात दिन के बाद आज बच्चा मिला। प्रशासन जारी थी और प्रशासन की तरफ से इससे में कैसा सहयोग मिला? आते थे अपना देख कर के चले जाते, रोजाना आते थे? ना ना, फिर हो जाए आ जाए दो रोज आए। इस बीच में ग्रामीण लोग आप लोग मिलकर के सब ढूंढे, आस पड़ोस के गांव में भी ढूंढे, सारे जगह जिला में खोजा गया, पूरे जिले पूरे वही नहीं। अब जब इस तरीके की घटना हो गई है तो आप युवा हैं, आप क्या मांग रखते हैं प्रशासन? हम लोग इंसाफ चाहिए, होना चाहिए। डाली वैसे बोलिए ना, जो सवाल वैसे जवाब दीजिए। सारे ग्रामीण हम लोग आक्रोश में हैं, इंसाफ चाहिए, बहाली किया जाए, जो है ना एकदम सजा हम लोग दिलवा के रहेंगे। हम ग्रामीण यही चाहते हैं, हम लोग सारे ग्रामीण आक्रोश में हैं कि ऐसा घटना फिर कभी ना हो आइंदा। आज मेरे बेटे के साथ, कल उसके साथ, कल उसके साथ, किसी के साथ हादसा हो सकता है। इसके लिए हम लोग आक्रोश है, उस प्रशासन से हम लोग गुहार लगाते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, चाहे डॉग बुलाया जाए, जैसे भी हो, प्रशासन स्तर से, उच्च स्तर से इसकी जांच हो करके और कातिल को सजा मिलनी चाहिए। सर, किस तरीके का इसमें जो है न्याय होना चाहिए? न्याय होनी चाहिए, बच्चों को इंसाफ मिलनी चाहिए, ग्रामीण को इंसाफ मिलनी चाहिए। जो बच्चा किसी का भी बच्चा बच्चा होता है, इंसाफ मिलनी चाहिए। और हम लोग पुलिस प्रशासन से यही उम्मीद रखते हैं कि हम लोग इंसाफ मिले। चलिए, तो और भी बहुत सारी, देखिए यहाँ पर महिलाएं हैं, बच्चे की लाश आई है और अब जो है बच्चे के कफन दफन का इंतजाम हो रहा है। और इतनी खतरनाक, ऐसी निंदनीय घटना एक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, शहरों में सुना जाता था कि मार करके नाला गटर में फेंक दिया गया, अब छोटे छोटे गांव के अंदर ऐसी घटना होने लगी है। हमारे समाज को जागरूक होना पड़ेगा, हमारे नागरिकों को जागरूक होना पड़ेगा, तब जाकर इस तरीके की घटना पर जो है लगाम लग पाएगा। देखिए ये दिखाइए, ये किस तरीके से ये है। क्या मांग रखते हैं आप? इस तरीके की घटना दोबारा होना चाहिए क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो हमको इंसाफ नहीं कहिए खोजने के लिए। हम लोग सारे जगह यहाँ से वहाँ पहले सारे जगह क्या मांग रहे, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए ना इनको। ये बोले क्या था इनका, जो कातिल है वो पकड़ा जाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए। हम बोले हैं, बोलिए बोलिए, और लोग बोलिए ना, बोलने में क्या आप लोग लग रहा, बोलिए ना। जो घटना हो रही है ये शर्मनाक घटना है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि ये छोटे बच्चे के साथ इस तरीके से शर्मनाक और घटिया जो भी हरकत किया है, ये ग्रामीण की मांग है, यहाँ के लोगों की मांग है कि इसमें जल्द फैसला होना चाहिए और ऊंचे स्तरीय जांच होना चाहिए, CBI जांच होना चाहिए। प्रशासन पूरी तरीके से ग्रामीण का सहयोग करे, ये ग्रामीण की मांग है। जय भारत, जय बिहार।